कितनी अलग अलग आइसक्रीम्स हैं, देखो। हे रुको, तुम्हारे डाइटिंग के प्लान का क्या हुआ उबेद? तुमने सही कहा, इसे आइसक्रीम नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से हेल्दी खाना खा रहा हूँ, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे देख भी नहीं सकता या उसके सपने भी नहीं देख सकता। हेलो दोस्तों। हेलो शमा। गेस करो थोड़ी देर पहले मैंने क्या देखा? तुमने उबेद को आइसक्रीम शॉप की खिड़की चाटते हुए देखा है ना? नहीं, मैं बस थिएटर से लौट रही हूँ और मैंने रोबो ड्रैगन देखी, वो भी 3D में। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, ये बस बहुत एक्साइटेड है रोबो ड्रैगन के लिए, उसे देखने के लिए तड़प रहा है। सच में बहुत बहुत एक्साइटेड। पर हम अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि किसी का तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। और हमने फैसला किया था कि हम सब वो फिल्म साथ में देखेंगे। बेचारा सालिम, उसे रुकना पड़ेगा, वो भी 3 घंटे, तब जाकर वो फिल्म देख पाएगा। 3 घंटे पूरे, मुझे उसे अभी देखना है। मैं तो चली शॉपिंग करने। मैं जानती हूँ तुम्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, यकीन मानो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इंतजार का फल जरूर मिलेगा। बाय 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 शम्मा, बाद में मिलेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमसे पहले फिल्म देख ली। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख ही लोगे सालिम। रिलैक्स, तुम भी जल्दी देख लोगे। ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। कितनी देर रुकना होगा? और 1 घंटा। मंसूर, हम वो फिल्म इसी वक्त देख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं होगा। और उबेद, नहीं, अब चलो भी, हमने साथ में मूवी देखने का फैसला किया था। चलो ना मंसूर, चलकर अभी देख लेते हैं प्लीज। नहीं मतलब नहीं होता है सालिम, वादा वादा होता है। पर मंसूर, मुझे रोबो ड्रैगन देखनी है इस वक्त। देखो, उन सब ने वो फिल्म देख ली है मंसूर, मैं मिस नहीं कर सकता। हाँ सालिम, देखो। उबेर, धोखे बाज चीटर। उसने हमारे बिना फिल्म देख भी ली। वो तो तुम्हें चाहते थे, उसके बिना फिल्म देखना चाहते थे। हाँ, चाहने और देखने में फर्क होता है, और उसने तो देख भी लिया। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं वो क्या सफाई देता है। हेलो उबेद। हाय शम्मा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? उन्होंने मेरे दांत से कीड़े निकाले और फिलिंग डाल दी, तो मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं खा सकता। बड़े दुख की बात है, पर हे, इसकी अच्छी बात ये है कि अब तुम फिल्म देख सकते हो। अरे तुम यहाँ मिलोगे सोचा नहीं था। तुम कैसे हो? सब कैसे हैं? क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट कैसा था? बहुत मजा किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया, तो क्या तुम तैयार हो फिल्म दोबारा देखने के लिए? दोबारा देखने के लिए? झूठे, तुम्हारे बलून्स कहाँ गए? और आइसक्रीम का क्या, तुम अकेले खा गए? मंसूर, इसे क्या हुआ? हमने सब देख लिया उबेद। क्या देखा? हमने तुम्हें निकलते देखा है, वो भी एक बड़े से रोबो ड्रैगन के बलून के साथ। तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम भी थी। हाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मैंने कुछ खाया। मैं तो अभी अभी डॉक्टर के यहाँ से आया हूँ। देखो, मेरे दांत में फिलिंग है, फिलिंग। मना मत करो उबेद। ये दोनों मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जब मैं सच कह रहा हूँ? घबराओ मत उबेद, मुझे तुम पर यकीन है। वो रहा सबूत, देखो। वो मेरे जैसे दिखता है, मैं उसके जैसे दिखता हूँ, मतलब हम दोनों एक जैसे। मेरे ख्याल से उन दोनों ने उसे थिएटर से निकलते वक्त देखा होगा और उन्हें लगा कि तुम हो। हाँ,
तुम सही हो। सुनो दोस्तों, रुक जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। परेशानी के लिए माफी चाहूंगी, पर मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? मेरा नाम उबेद है। हेलो उबेद, और मैं हूँ उमर। उमर, हम अपने दोस्तों से मजाक करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी, क्या कहते हो? अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से ना कुछ बात करनी है। ठीक है गाइस, तुम दोनों ने उबेद पर उसकी डाइट से चीट करने का इल्जाम लगाया है, तो तुम दोनों को ये दिखाने के लिए कि वो हेल्दी हो गया है और वो बेहतर हो रहा है, उबेद तुम्हें एक रेस के लिए चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रेस लगाएंगे मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ तक। पर उबेद, तुम तो जानते ही हो कि कौन जीतेगा। रेस लगाओ, देख लेंगे। उबेद, अगर तुम मॉल की एक तरफ से दूसरी तरफ हमसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दिलवाऊंगा। ठीक है, पर याद रखना, क्योंकि मैं लार्ज वाला लूंगा। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, फिर तुम इस तरफ से जाओ और उबेद तुम इस तरफ से जाओगे। ठीक है, जो सबसे पहले एंड तक पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। ये तो मक्खन होने वाला है। सही कहा, ये वाला तो मक्खन ही होने वाला है। तो फिर ऑन योर मार्क्स और गेट सेट एंड गो। हम उससे आगे आ चुके हैं। और इसकी तो अभी से सांस भी चढ़ गई है। चलो सलेम, हम बस पहुंच ही चुके हैं। देखो। क्या? वो तो अभी हमारे पीछे था। ये नामुमकिन है। हेलो दोस्तों। कैसे 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 ये तुमने कैसे किया? बताओ कौन जीता? उबेद जीत गया। शाबाश उबेद। शुक्रिया। तो अब मेरे ख्याल से किसी को उबेद के लिए पॉपकॉर्न खरीदना होगा। रुको, एक और रेस हो जाए, ठीक है उबेद? और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और सैंडविच भी दिलाऊंगा। ऐसी बात है, तो जो कोई भी बिना लिफ्ट की मदद से सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं उबेद। जानता हूँ, पर मैं ये करना चाहता हूँ, मजा आएगा। ओके, तो रेडी, गेट सेट एंड गो। मैं तो अभी से थक रहा हूँ। हार मत मानना सलेम, बढ़ते रहो, हमें उबेद को हराना होगा। चलो। मैं थक चुका हूँ। चलो। बहुत थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, हम बस पहुँच ही गए, हम पहले पहुँचे। उबेद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बड़ी देर कर दी। ये कैसे, इसने कैसे किया? मुझे और हवा की जरूरत है, मुझे दो दो उबेद दिख रहे हैं। मैं समझाती हूँ, ये है उमर और इसे ही तुमने थिएटर से आइसक्रीम खाते वक्त बाहर निकलते देखा था। तुम्हें इस पर शक नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए था। तुम्हें इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लार्ज पॉपकॉर्न और एक सैंडविच भी खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मुझे भी माफ करना, माफ करना उबेद। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो चलकर फिल्म देखें। चलो बाय दोस्तों, मजे करना और फिल्म एंजॉय करना। क्यों, सीढ़ियों से नहीं जाओगे? तुमने बहुत अच्छा मजाक किया उमर, एक से निपटना मुश्किल था, अब दो हो गए, हद है। मासूम।
ओ, माफ करना अंकल, टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। ओह हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें? कोई नहीं खाएगा, चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। ओ, 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 नानो, बस हुआ, लौटा दो फोन। ठीक है। ओ, 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 शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह, अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर ले, वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बूफे, मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ, शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है, मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यही मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है, पूल इससे बेटर होता है। नहीं, प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। बनाना 1 और ओबेद 0। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, 1 मिनट डंडा दो, आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। चलो भी, अब मेरी बारी। जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की, सालिन। 1 सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना,
कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चला तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? एक सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालेम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओ हाँ, ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम बस गए हैं, अब हम क्या करें? सालेम, तुर्की। नानो, उबेद देखो। ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं, हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। ओह, सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। वापस पहाड़ पर? तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ। क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है, तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबेद, जल्दी चलो। हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबेद। जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगते समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे सालेम। आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालेम, तुर्की, उबेद, अपने टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे, जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही, हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए। दोस्तों वो देखो, वो रहा रिजॉर्ट। ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए, तो क्या किया तुम सब ने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूमी आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं।
हेलो एवरीवन, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं, तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। उबेर, तुम क्या ये सच में करने वाले हो? मुझे सही नहीं लगता। वहाँ सच में क्या लैंडिंग की आपने कैप्टन? शुक्रिया बेटा। ये तुम्हें क्या हो गया उबेद? शायद उबेद नया फैशन ट्राई कर रहा है। स्टाइल का नाम है मिल्क शेक। तो ठीक है बच्चों, हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम अपना सामान उतारते हैं, तुम सब जाकर घूम कर आओ। पर जरा संभल कर जाना बच्चों। अबेद, मेरी गलती नहीं थी, बस इस बच्चे ने मुझे डरा दिया था। ओहो, देखो तो इसे, कितनी प्यारी है। चलो दोस्तों, इसे अपने साथ ले चलें प्लीज। नहीं, हमें इसे यही छोड़ना होगा, ये इसका असली घर है। पर प्लीज मंसूर। नहीं अबेद, नहीं, ये एक जंगली बिल्ली है और यही इसका घर है। मंसूर सही कह रहा है उबैद। ठीक है ठीक है, बाय बाय छोटू सी प्यारी बिल्ली। तुम्हारा स्वागत है बच्चों, क्या तुमने मजे किए? हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आया। आराम से बैठकर कुछ पियो, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो जूस कौन पिएगा? ओबे, तुम कुछ नहीं पियोगे? हाँ, मुझे क्या दूध मिलेगा, वो एक कटोरी में? ओबेद, तुम्हें दूध कटोरी में क्यों चाहिए? ओबेद, ये आवाज कैसी है? ओबेद, उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? ओबेद, तुम इसके लिए वापस गए थे ना? ओबेद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों को घरेलू जानवरों की तरह नहीं रखा जाता है, तुम्हें इसे जंगल में ही छोड़ना होगा। पर ये कितनी प्यारी है अंकल। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? अब इसे यहाँ रख दो। ये रहा इसका खाना, ताकि भूख लगे तो ये खा सके। नानो, देखो एक जंगली बिल्ली। एक जंगली बिल्ली, देखने दो जरा। स्कैनिंग शुरू करते हैं। 30% डन, 50% डन। बस हो गया बच्चों,
इसे खेलना बंद भी करो, इसे थोड़ा आराम करने दो। बिल्ली की जांच जारी है। पता नहीं क्यों आप सब इतने परेशान हैं। ये तो बस एक छोटी सी बिल्ली है और कुछ भी नहीं। फिर हमें ये बिल्ली पहाड़ों में क्यों मिली ओबेद? ये बच्चा पैंथर पादस निम्न प्रजाति का है, जिसे हम अरेबियन पहाड़ी टीले के नाम से जानते हैं। क्या? इसे घर से बाहर निकालना होगा। खालिद, मुझे इसका यहाँ होना ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कोई गलती हुई है, ये वो नहीं है आंटी। ये बिल्ली का बच्चा कितना प्यारा है और शांत भी है। जैसा नानू ने कहा, ये वैसा जंगली तेंदुआ नहीं है। हमें उसे अभी वापस ले जाना होगा। उसकी माँ अगर उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो क्या करोगे? वो बच्चा सारा खाना खा गया और अचानक से बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। हम जाकर ले आते हैं। नहीं नहीं मत जाओ, वो सच में बहुत बड़ा है। तुम पागल हो गए हो, वो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। ओबेद, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है, देखो। देखिए उसकी माँ उसके बच्चे को लेने आ गई है। मैंने कहा था ना, पर किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें कैसे भी करके इनके घर वापस ले जाना होगा, पर हम कैसे करेंगे? आइडिया, मैं समझ गया। हमें थोड़ा सा मीट चाहिए, एक बड़ा डब्बा और नानो। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। बाय बाय मेरे प्यारे फ्लफी। फ्लफी? दोस्तों, मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो क्या मिला। क्या तुमने कभी आज तक इतना बड़ा मुर्गी का अंडा देखा है? मुझे नहीं लगता ये अंडा मुर्गी का है। नानो, क्या तुम इसकी प्रजाति का पता लगाओगे? हाँ जरूर, प्रोसीजर शुरू। इसकी पहचान हो गई है। ये अंडा एक विशाल टॉर्टस का है, जो कि 4 फीट की ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। ओबेद, हमने क्या कहा था?
सभी फाइट फैंस का स्वागत है नेशनल जिजित्सु जिम के इस बहुत ही ज्यादा जरूरी ग्रेडिंग फाइट्स में। और आज का पहला मैच होगा येलो बेल्ट कैटेगरी में। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आज इस मंच पर आने वाले पहले फाइटर है हम सब के चहेते सालेम। और आज हमारे रेफरी सालेम को देखकर टेंशन में आ गए हैं। मंसूर, क्या तुम हमारे घर बैठे दर्शकों को समझाना चाहोगे कि वो क्या देख रहे हैं? लगता है सालेम को सेफ्टी की चिंता है। सही कहा मंसूर, हमेशा ही होती है ना, सालेम ऐसा ही तो है। चलो सालेम, शुरू करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? तुम्हारे पीछे, तुम्हारे लेफ्ट में, पीछे, अब वो तुम्हारे लेफ्ट में है, अरे साइड पर, बीच में, पीछे। जमाल, चलो अब तुम दोनों की बारी है। हाँ। घबराओ मत। यही रुको। ठीक तो क्या हो रहा है ये? Oh.
इस साल मंसूर मुझे हरा दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे अफसोस होगा कि वो यहाँ आया ही क्यों। हाँ जरूर, पर तुमने तो पिछले साल भी यही कहा था ना, याद है ना? हाँ? हाँ याद नहीं, जब मंसूर ने तुम्हारी कलाई लॉक कर दी थी और तुम्हें दर्द हो रहा था। ये वाला मुझे याद है, तुम्हारी बहुत बुरी हालत हुई थी। याद है जब तुम फिसल कर गिर गए थे? इसे तो मैं आज देख लूंगा। बस करो, अब उन सारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो प्लान बनाया है उसकी वजह से इस बार सिर्फ मैं ही जीतूंगा। कैसे? हाँ, इनकी मदद से। चलो अब जल्दी से इन्हें मुझ पर लगा दो। चलो जल्दी करो, इस वाले पे भी बांध दो। अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं मंसूर को बेहतरीन सबक सिखा कर अपने लिए ग्रीन बेल्ट ले लूंगा। मंसूर ने तो उसकी कलाई लॉक कर दी। हाँ तुमने सही कहा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मुझे छोड़ो। इनकी दोस्ती हमेशा से गहरी रही है। लगता नहीं अभी ने कोई अलग कर पाएगा।
ध्यान से चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। फिर से नहीं, कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओह बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। ओह, एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूँ। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे। गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है, फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश, शरारती चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा, मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है। ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है, हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा, इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो पूरा दरवाजा। चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये एक खास गेमिंग डिवाइस है, इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी।
उबेद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबेद। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल के सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा, तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना, ठीक है दोस्तों? उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों, जल्दी चलो। ए, माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। ओ, नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त दो बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। ओ, नहीं। ओ। ओ? ओ? मैंने कहा रुको, रुक जाओ। ये बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर्स मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो बीच में खाई है। देखो मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं, तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है। काम बन जाएगा, बस मेरे पीछे आओ। ओ सालिम। पकड़ो, रुको, रुको। देखो वो वहाँ है। जो होगा सो होगा। मुझे इसने हरा दिया। इसने अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। चलो खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है द अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओ नहीं।
जालिम, हार निकले तैयार हो जाओ। ये क्या? जैसे मैं पिछली बार हारा था। चलो इस बार तुम तो गए, ये लो। दोस्तों मेरा नया इन्वेंशन देखो। आखिरकार तुमने लेजर गन बना ही ली। ओबेद, ये लेजर गन नहीं है, ये मेरा नया इन्वेंशन है। ये एक किस्म का सुपर हियरिंग एड है। तुम्हारे कान को हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, पर इससे और बेटर हो जाएंगे। देखो। हाँ। तुमने होमवर्क खत्म किया? हाँ, बहुत इजी था। मैंने सुना मॉल में एक नई बुटीक खुली है। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर हम इससे क्या कर सकते हैं? मैं अभी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने ही वाला हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? रुक जा, ओबेद, इसे फिर उस आदमी की तरफ मोड़ो। क्या इसकी तरफ? तुम ठिकाने पर पहुंच जाओ। काम का क्या हुआ? रास्ता साफ है ना? रास्ता साफ है। आई रिपीट, रास्ता साफ है। क्या कह रहे थे? लगता है ये जासूस है। मैं 30 सेकंड में कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करें। हाँ, एक जासूस का पीछा? क्या ये करना एक अच्छा आइडिया होगा? हम नहीं जानते कि वो जासूस है या चोर। सालम, शायद उसे वहाँ सिर्फ कॉफी पीनी हो। ये क्या, वो अचानक गायब हो गया? फिर तो वो जरूर एक जासूस है। चलो। ठीक है, अब वो हमें मिल नहीं रहा, तो क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चले। इसकी मदद से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आज रात निकलेंगे। प्लान बड़ा आसान है, तुम्हारे पास मशीन तो है ना? वो देखो, वही है। वो उन पेड़ों के पीछे है। चलो दोस्तों। आज बगदाद का सितारा हमारा हो जाएगा, फिर हम माला माल हो जाएंगे। पर जब हम इससे पूरा करें, एक गलती और सब कुछ खत्म। जाना कब है? हम आज रात ही अंदर जाएंगे। बंद होने से पहले हम अंदर जाकर छुप जाएंगे, उसके बाद हम दोनों अपना काम शुरू करेंगे। बगदाद का सितारा कौन है? बगदाद का सितारा, बगदाद का सितारा। हाँ सुनो, जवाब मिल गया, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। यानी कि ये लोग जासूस नहीं है, ये तो चोर है। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिंपल है, उनका पीछा करेंगे। बगदाद का सितारा यहाँ पर है। पर ज्यादा देर रहेगा नहीं अगर हम उन चोरों को रोकेंगे नहीं तो। हमें किसी को बताना होगा। चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बात बगदाद के सितारे की है, हमने कुछ चोरों को उसे चुराने का प्लान बनाते सुना। बगदाद का सितारा चुराएंगे? क्या ये झूठ है? नहीं, सच है। पहले पहले हमें भी लगा कि वो जासूस हैं, पर बाद में पता चला कि वो आपका हीरा चुराने वाले हैं। वो कौन है? जितना तक हम जानते हैं वो चोर दो लोग हैं सर, और उनका आज ही चुराने का प्लान है। कितनी बेहतरीन इमेजिनेशन है तुम्हारी। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुरा पाना नामुमकिन है बच्चों। हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त रखी गई है। हमें नहीं पता वो कैसे चुराएंगे। आपको हमारी बात का विश्वास करना ही होगा। हमने उनका पीछा किया। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अब पेश करता हूँ बगदाद का सितारा। लाजवाब! ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। कहा जाता है ये वक्त से भी ज्यादा पुराना है। बहुत सी महारानियों ने पहना, पर कोई इसके आगे टिक नहीं पाई। ओ, कितना बड़ा है। अच्छा तो फिर क्यों ना तुम इसे लेने की कोशिश करो। हाँ? आगे बढ़ो, बस इसे उठाने की कोशिश करो। एक पिंजरा। वही तो, हमारी खुशनसीबी है जो मेरे पास ई कार्ड है, बाहर निकलने का रास्ता।
सर कुछ प्रॉब्लम है? बस एक टेस्ट था अजीज, मैं बच्चों को दिखा रहा था कि हमारा अलार्म सिस्टम कितना सख्त है और हमारा हीरा कितना सुरक्षित। ठीक है। अरे वाह, मुझे ये पसंद है। लेजर वायर से बेहतर है, इनमें से एक मक्खी तक नहीं जा सकती। जैसा कि तुमने देखा, बगदाद का सितारा पूरी तरह सुरक्षित है। ये इकलौती की है। बंद करने का वक्त हो गया, अब हमको निकलना चाहिए। मेरी बीवी है, मुझे जाना होगा, तुम सब अपने आप निकल जाना। और हीरे की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफ है। ओ, मैं अपना डिवाइस डायरेक्टर सर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, हमें बस यहाँ बाकियों के निकलने तक रुकना होगा, उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर वो यही कहीं है, हमें सर को बताना ही होगा। कोई फायदा नहीं, हम लॉक हो गए। ओ वाह, एक डरावने से म्यूजियम में दो चोरों के साथ, और इससे बदतर क्या हो सकता है? अब हम क्या करें? हम पुलिस को बुलाएंगे। मेरी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, मेरी भी। मेरा फोन तो पूरी तरह से चार्ज्ड है, पर वो घर पे है। लगता है वो आ गए। जल्दी ऊपर चलो। वो देखो हीरा। अब कभी भी अलार्म बज जाएगा। बहुत बढ़िया सही। उन्होंने हीरा ले लिया है, हमें उन्हें भागने से रोकना ही होगा। पर अब हम क्या करें? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये! रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। ये सब ठीक है, पर मेरा जादू देखो। देखोगे? हे हे। मंसूर, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम ना होते तो ये सितारा यहाँ नहीं होता। तुम सब जब चाहो इस म्यूजियम में आ सकते हो, वो भी बिना फीस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे माफ कर दो बच्चों, जो मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं मानी। मुझे आपके लिए भी मशीन बनानी चाहिए। हाँ।